प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 12 की पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं राजेंद्र कुमार वाजपेयी, संप्रति प्रवक्ता हिंदी, ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, जवाहरनगर, कानपुर, आप सभी के समक्ष पाठ अध्यापन हेतु उपस्थित हूँ। यह पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में सुप्रसिद्ध लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक रिपोर्टाज विधा का पाठ है। रिपोर्टाज विधा हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा है। आपने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं का अध्ययन किया होगा, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इसी साथ साथ कुछ अन्य विधाएं जिन्हें हम नवीनतम विधा कहते हैं, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य, नई कहानी, इस तरह से रिपोर्टाज भी एक नवीनतम विधा है। रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यह घटना लेखक द्वारा स्वयं अनुभूत है, वह उसने इस घटना को स्वयं अनुभव किया है। इस रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत तीन परिचारिकाओं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का परिचय और उनके सेवा भावना का वर्णन किया गया है। हम सब ने अपने जीवन में इन सिस्टर्स का सेवा परायणता का भाव कभी न कभी अपने जीवन में अवश्य ही अनुभव किया होगा। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप में हुआ है कि वह सच्चे अर्थ में धर्म, मानव सेवा और समता का उदाहरण बन गया है। मदर टेरेजा के विषय में हम सब ने निश्चित रूप से सुना होगा। उनका जीवन भारत भूमि में उनकी कर्म भूमि बना और उन्होंने सेवा परायणता को ही अपने जीवन का उदाहरण बनाया है। सेवा परायणता उनके जीवन का पर्याय बन गई है। उन्हीं के मदर टेरेजा के साथ काम करने वाली सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड भी उसी प्रकार से सेवा परायणता को अपने जीवन में आत्मसात किए हुए थी। यद्यपि मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों ही परस्पर विरोधी देशों फ्रांस और जर्मनी की निवासी थीं, क्योंकि ये दोनों देश परस्पर विरोधी होकर के दो विश्वयुद्धों में परस्पर युद्ध कर चुके थे। फिर भी मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड दोनों ही इन संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त थीं। यद्यपि हम इन संकीर्ण विचारधाराओं से अपने जीवन में मुक्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को कुछ अच्छा करना होता है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना होता है, जीवन के लिए कुछ अपने को प्रेरणा देने वाला जीवन जीना होता है, तो निश्चित रूप से हम इन संकीर्णताओं से परे होते हैं, इनसे मुक्त रहते हैं। उन्होंने लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव और उनका उदार मानवीय दृष्टिकोण उन ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ था। लेखक ने लिखा है, जो अपना अनुभव लिखा है, कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। जिनके घर में अतिथि बन करके गया था, जो मेरा मेहमान नवाजी कर रही थी, जिनका जो मेरा आतिथ्य स्वीकार कर रही थी, आज वे स्वयं बीमार हो गई थी। मैं उनका परिचारक, मैं उनकी सेवा करने वाला था, क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई, क्योंकि जिनके घर में अतिथि बन करके गया था वे स्वयं बीमार हो गई थी और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाया गया था, जिस घटना का लेखक ने उल्लेख किया है, वही रॉबर्ट नर्सिंग होम, वहां पर अनुभव की गई अपनी उस घटना का लेखक ने चित्रण किया है। ये घटना है सितंबर 1951 की। उसका संस्मरण करते हुए लेखक ने लिखा कि रोग का आघात पूरे वेग में, यद्यपि रोग अपनी प्रबलतम रूप में आघात कर रखा था और उसका परिणाम वहां का सारा वातावरण कंपायमान हो रहा था, सारे लोग भयग्रस्त थे और वातावरण पूरी तरह से चिंताग्रस्त हो रहा था, क्योंकि बीमारी का नाम सुनकर के ही सभी उसके परिणाम से चिंता से बेहवल होने लगते हैं। हम सब भी अत्यंत बेहवल हो रहे थे
सारा वातावरण चिंताओं से घिरा हुआ था, हम सभी सुस्त पड़े हुए थे। तभी मेरे लेखक कहता है कि मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में, धवल का अर्थ है श्वेत, अपने विशेष श्वेत वस्त्रों में घिरी हुई एक महिला उस कमरे में आई। उन देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, अर्थात उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष रही होगी। उनका रंग हिम श्वेत बर्फ के समान सफेद था, लेकिन वह बर्फ के समान भी पूरी तरह से सफेद नहीं, अपितु अरुणोदय की छाया, अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अनुरंजित का अर्थ होता है रंगा हुआ, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य की उदय होने के समय उसकी किरणें धरती पर पड़ करके सारे भूमंडल को अपने सुनहरे प्रकाश से भर देती हैं, उसे रंग देती हैं, वही प्रकाश जिस प्रकार जिस समय उस बर्फ पर पड़ता है और जिस प्रकार की आभा उत्पन्न होती है, कुछ वैसा ही उनका श्वेत रंग लालिमा लिए हुए दिखाई दे रहा था। कद उनका लंबा था और सुता सधा बिल्कुल सांचे में ढला हुआ शरीर दिखाई दे रहा था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। लेखक कहता है कि उस स्त्री ने, जिनका नाम मदर टेरेसा था, लेखक ने आगे उनके बारे में बताया है कि उन्होंने आते ही कहा कि बीमार के पास उदास चेहरा लेकर के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी और का जो अस्वस्थ है उसकी स्वस्थ होने की भावना कमजोर होती है। इसलिए उदास चेहरा लेकर के नहीं बैठना चाहिए, जितना अधिक हम उसे ऊर्जास्वित कर सके, उसमें ऊर्जा का संचार कर सके, उतना ही उसके लिए और अच्छा होता है। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, इसलिए जो अस्वस्थ है उसके पास उदास चेहरा लेकर के नहीं बैठना चाहिए। आते ही उन्होंने कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ। भाषा उनकी स्पष्ट थी और उच्चारण भी स्पष्ट था, ले और वह स्वर आदेश का, उनका आदेश, लेकिन वह अधिनायक का, किसी शासक का नहीं था, अपितु वह पूर्णतया माँ का था। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को वात्सल्यमय आदेश देती है, जिस प्रकार से उसमें आदेश तो होता है लेकिन उसके साथ ममता भी होती है, उसी प्रकार से उन्होंने आते ही अपनी पूरी ममता बिखेरते हुए वह आदेश दिया, जिसका आरंभ तो होता है वह सिकंजे में और अंत गोद में। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को पूरी तरह से ममता से भर देती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार से उन्होंने भी आते ही अपना पूरी ममता, अपना पूरा ममत्व रोगी के पास बैठे हुए सभी लोगों पर उड़ेल दिया। हाँ, वो माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। हाँ, वो उस नर्सिंग होम की अध्यक्ष मदर टेरेसा ही थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस, अभी लेखक ने बताया कि फ्रांस और जर्मनी दोनों परस्पर विश्व युद्धों में परस्पर विरोधी देशों में शामिल थे। हाँ, वो मदर टेरेसा फ्रांस की रहने वाली थी, लेकिन जन्मभूमि उनकी फ्रांस होते हुए भी उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में भारत का चयन किया था। उन्होंने उभरती तरुणाई, तरुणावस्था से ही इस ढलाव तक, इस उम्र तक आते आते उन्होंने रोगियों की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को लवलीन, पूरी तरह से तल्लीन कर दिया था, क्योंकि सेवा भावना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। लोगों के जीवन में प्रसन्नता को बिखेरना और जिस प्रकार से भी उनके जीवन में आनंद की अनुभूति की कराई जा सके, यही उनका जीवन का उद्देश्य था, यही काम था, यही उनका घर था, यही राग उनके जीवन का आनंद था, इसी में उनके जीवन का प्रेम था, इसी में उल्लास था, इसी में उत्साह था, यही उनका लगाव था, और बस उनके जीवन में केवल और केवल यही था, क्योंकि इसके पश्चात उन्हें और कुछ जानना भी तो नहीं था। इसके अलावा और कुछ उन्हें जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य उन्होंने निर्धारित ही नहीं किया था। जितना भी हो सके रोगियों की शुश्रूषा करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, समर्पण भाव से उनके जीवन में आनंद को बिखेरा जा सके, आनंद की सृष्टि की जा सके, उतना अधिक उनके जीवन का यही आनंद था। उन्होंने आते ही रोगी के उदासी से मुरझाए हुए, म्लान मींस मुरझाए हुए, दोनों गालों पर अपने चांदी से चमकते हुए
हाथों से जब स्पर्श किया, चांदनी चर्चित हाथ चांदी से जैसे चमकते हुए हाथों से थपथपाए उन्हें स्पर्श किया, तो उसके उदासी से, दुख से, बेहवलता से सूखे हुए अधरों पर, होठों पर मानो जैसे एक चांदी की रेखा, एक मुस्कान सी बिखर गई हो। एक मुस्कान जो प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई थी। सारा वातावरण प्रसन्न हो गया था, सारा वातावरण आनंद से भर गया था, और सारा वातावरण जो अभी दुख का भार लिए हुए था वह अब कम हो गया था, हल्का हो गया था। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, उनके इतना करते ही डॉक्टर भी अब कमरे में उपस्थित हो गया था। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। जो बीमार, जो अस्वस्थ व्यक्ति जिन्हें लाया गया था हॉस्पिटल के अंदर, वह अब हंस रहा था। उन्होंने डॉक्टर से न जाने कितने सारे अनुभव इसी प्रकार से साझा किए। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं ही एक वाक्य में गूंथ दिए। जिस सारे अनुभव, रोज के जितने भी अनुभव थे, वो सारे डॉक्टर ने एक प्रकार से सारे वहां उपस्थित जितने भी लोग थे उनके सामने व्यक्त कर दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक के योग क्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। लेखक का भाव है कि जो सभी की माँ है, जिन्हें किसी बच्चे को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन बिना जन्म दिए ही जो सबके लिए माँ के समान कार्य करती है, माँ के समान भावना रखती है, माँ के समय समान जिनका वात्सल्य सभी को अप्रतिम रूप से मिलता है, वो हो 30 रुपए मासिक का योग क्षेम उनके जो दुख सुख है, जीवन के जो उतार चढ़ाव है, जो लगाव है, वह सब 30 रुपए मासिक के वेतन के पर निर्भर नहीं था, अपितु इसके अतिरिक्त मानवता पर आधारित था। वो दिन रात का उनका जो सेवा भाव है, वह केवल और केवल पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेरने के लिए था, उनके जीवन में आनंद की सृष्टि करने के लिए था, उनके जीवन में प्रसन्नता को भरने के लिए था। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए जियाई मदर टेरेजा और उनके साथ एक नव युवती। अगले दिन की घटना का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि ये लगभग तीसरे पहर का समय रहा होगा, दोपहर बाद का समय रहा होगा। हाथ में थर्मामीटर लिए हुए मदर टेरेजा कमरे में आई और उनके साथ आज एक नव युवती भी थी, उसी प्रकार के विशिष्ट श्वेत आभूषण वेशभूषा में, गौर और आकर्षक। ये उसका वर्ण रंग गोरा और आकर्षक था, लेकिन लेखक इतने पर ही संतुष्ट नहीं होता है। वो गौर और आकर्षक, लेकिन उसके स्वरूप का चित्रण करने में दोनों ही शब्द असफल, यानी उसका स्वरूप इससे भी कहीं अधिक आकर्षक, इतने इससे भी अधिक सुंदर, इससे भी अधिक सामर्थ्यवान। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा, लेखक उपमा देते हुए कहता है कि शायद चांदनी को दूध में घोल करके ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। एक तो चांदनी अपने आप में श्वेत होती है और दूध भी श्वेत होता है, दोनों को आपस में अगर घोल दिया जाए तो उसकी जो श्वेत आभा है वो कितनी अभी अधिक बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने कुछ इस प्रकार से रचना की हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा, यानी उसका जो रूप और स्वरूप था दैवी आभा लिए हुए था। सारे अंग प्रत्यंग अपने आकार के अनुरूप थे। नाम था उसका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी जो दो विरोधी देश, फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, दोनों का जीवन का उद्देश्य एक है। मदर टेरेजा और क्रिस्ट हेल्ड, दुहिता मीन्स होता है का अर्थ है पुत्री। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेजा और जर्मनी की पुत्री सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, दोनों एक साथ एक स्थान पर रहती हैं, एक ही रूप है, एक ही वेशभूषा है, एक ही जीवन का ध्येय है और एक ही आनंद है। न कुछ कोई जीवन में भिन्नता नहीं है। एक जन्मभूमि के स्तर पर केवल उनकी भिन्नता को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका जीवन का ध्येय एक ही है, दोनों के आनंद की सृष्टि भी एक ही है। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है
और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। लेखक अपने आप में अनुभव करता है कि एक वही जर्मनी है जहां पर हिटलर जैसा तानाशाह पैदा हुआ था, जिसने विश्व विजय का स्वप्न देखा था, और एक उसी जन्मभूमि में जन्म लेने वाली यह बालिका सिस्टर क्रिस्टहेल्ड है, जिसने मानवता और सेवा समर्पण को ही अपने जीवन का ध्येय बना रखा है। मानव जीवन में प्रसन्नता को संवारना, प्रसन्नता की सृष्टि करना, आनंद का संचार करना, यही जीवन का ध्येय है। मैंने उससे कहा तो वह दर्प से दीप्त हो स्टैच्यू हो गई। जब इस प्रकार से मैंने उससे कहा कि वो तुम उस देश के रहने वाली हो जहाँ हिटलर जैसा तानाशाह, जो जिसने विश्व विजय का स्वप्न देखा, वह भी जन्म लेता है, और तुम्हारे जैसा सेवा परायण बालिका को भी जन्म देती है वह जन्मभूमि, तो वह दर्प से गर्व से प्रकाशित होकर, दीप्त का अर्थ है प्रकाशित, वो स्टैच्यू स्थित हो गई, स्थिर हो गई, मूर्तिवत हो गई, जड़वत हो गई, और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस, हाँ हाँ। क्योंकि सबके जीवन के अपने निर्धारित उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार का बनाएं। हम तानाशाही व्यक्तित्व को के रूप में संसार में जानने का प्रयास करते हैं या सेवा और समर्पण का भाव लिए हुए, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हिटलर भी विश्व विजेता का स्वप्न लेकर के जर्मनी में जन्म लेता है, और सिस्टर क्रिस्टहेल भी सेवा और समर्पण के भाव को लेकर के जर्मनी में जन्म लेती है, लेकिन दोनों के जीवन का उद्देश्य भिन्न था। इसलिए उसने कहा कि जब उसके को सेवाशील बालिका के रूप में संबोधित किया गया तो उस गर्व से उसका चेहरा उद्भाषित होने लगा, और वह स्टैच्यू होकर के, स्थिर होकर के, जड़वत होकर के, वह अपना दाहिना पैर वेग में अपने बल बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए बोली, हाँ हाँ। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेजा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? फिर मैंने मदर टेरेजा के अंदर झांकने का प्रयास किया और उनके साथ उस लड़की के बारे में उनका जो भाव था, जो भावना थी, उसे जानने का प्रयास किया। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? मैंने लेखक से, मदर टेरेजा से पूछा, क्योंकि जर्मनी फ्रांस का विरोधी देश था, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार का भाव है क्या, ये जानने का प्रयास किया कि इस लड़की के साथ वे कैसे रहती हैं। बोली, हाँ, वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। जब व्यक्ति की भावनाएं पवित्र होती हैं तो उसके बातचीत का ढंग, वार्ता का ढंग और शब्दों का निरूपण भी बदल जाता है। उन्होंने कहा जिस उद्देश्य को जानने का, जिस भाव को जानने के लिए लेखक प्रयास कर रहा था, उसे न व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य करते हैं, हम भी मानवता के लिए कार्य करते हैं, हम सेवा और समर्पण के लिए कार्य करते हैं, हम जीवन को बचाने के लिए कार्य करते हैं, हम लोगों के जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद का संचार करने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वह ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य वो हो जाता है जब हम बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। जिसके बदले में कुछ चाहा जाए वह ईश्वरीय कार्य नहीं होता है। और यहाँ पर तो जो कुछ किया जा रहा था उन सिस्टर वर्क के द्वारा, उसके बदले में कुछ भी दिया नहीं जा सकता है, इसलिए वह ईश्वरीय कार्य था। इसलिए दोनों में परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक ही था। जब हम ईश्वरीय कार्य करते हैं, स्वार्थ की भावना से परे होकर के काम करते हैं, परार्थ के लिए काम करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों में प्रेम होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि स्वार्थ के लिए किया गया कार्य बदले में कुछ चाहने के लिए होता है, और जहां पर कुछ चाहने के लिए प्रयास होता है वहां प्रेम नहीं होता है। मैंने नस्तर चुभाया, उनके मन में फिर से एक ऐसी भावना को पिरोने का प्रयास किया, पर फ्रांस को हिटलर ने प्रदलित किया था, यानी फ्रांस को हिटलर ने विश्व युद्ध के समय परास्त किया था, उसे नष्ट भ्रष्ट किया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं? इस भावना को कैसे भूला जा सकता है? क्या आपको अपने राष्ट्र किसे प्रेम नहीं है? इस भावना को आगे दिया। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर टेरेसा का कलेजा उसे अछूता रहा। हमने अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहा था, फिर भी उनका हृदय उससे अलग था, वे उसके अस्पर्श रही, उसको वे उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, और बोली, हिटलर बुरा था।
कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है, हिटलर बुरा हो सकता है, लेकिन सारे लोग नहीं। वहां वो तानाशाह था, वहां का वो शासक था, वो बुरा हो सकता है, पर वह इस लड़की का उससे दोष नहीं होता है, वहां के रहने वाले लोगों का दोष उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो झगड़ा हुआ, जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई हुई, उससे उस लड़की का भी घर नष्ट हुआ और मेरा भी, क्योंकि युद्ध कभी किसी का भी प्रिय नहीं हो सकता है, उससे विनाश दोनों तरफ आता है। हम दोनों एक हैं, क्योंकि उसके परिणाम से हम दोनों ही प्रभावित हुए हैं। हम दोनों एक, मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की को उनसे छीन रहा था। मदर टेरेजा ने प्रसन्नता से विह्वल होकर के इस प्रकार से कहा कि जैसे मैं उनको उनकी उस लड़की से, उस सिस्टर से, क्रिस्टाइल से उनके अलग करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उन्होंने पहले ही बार में मुझे परास्त कर दिया, जिससे मैं आगे और कुछ ना कह सकूं। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच में मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। हम अपने आसपास देखें, न जाने कितनी दीवारें जिनका शायद हमें आभास भी नहीं होता है, चाहे वो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मजबूत फौलादी लोहे की दीवारें, उनसे भी मजबूत दीवारें हैं, चाहे वो भूगोल की हो। हमने अपने आसपास सीमाएं खड़ा करी हैं, भूगोलिक सीमाएं खड़ी हैं, ऐतिहासिक दीवारें खड़ी हैं, जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की हैं, न जाने कितने बंधन हमने अपने आसपास खड़े कर लिए हैं। ये दीवारें कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, यद्यपि वो दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी हमारे लिए उनको परास्त करना बड़ा कठिन है, उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, वो हमारे लिए कितनी अजेय है। हम प्रतिदिन प्रत्येक समय इनका आभास करते रहते हैं, फिर भी इनसे बाहर निकलने का हमारे अंदर संबल नहीं होता है, हमारे अंदर वो बल नहीं होता है कि इनको हम तोड़ सकें। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड के पिता किसी एक कॉलेज में अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, और उसने केवल अभी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है, इसलिए थोड़े समय वह यहाँ पर रह करके सेवा करेगी और उसके पश्चात अपने देश को लौट जाएगी। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूं। अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लेखक ने अनुभव किया कि वो स्वयं क्रिस्ट हेल्ड है। अपने आप को क्रिस्ट हेल्ड बना करके सोचते हुए कहा कि उसके बारे में जो मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखें भराती हैं। इतनी दूर अपनी जन्मभूमि से, अपने परिवार से, अपने लोगों से इतनी दूर रह करके और इतनी सेवा और समर्पण के भाव को प्रदर्शित करना और इतना प्रसन्न रहना अपने आप में निश्चित रूप से कठिन है। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसने देखा कि उसके भावनाएं, उसके अंदर संवेदनाओं का ज्वार इतना उमड़ रहा था कि मानो वह ज्वार आंखों से आंसू बनकर के उमड़ने को ही था, लेकिन उसने उन आंसुओं को बिखरने नहीं दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम हो गईं, आंसुओं से भर आईं, फिर भी जरा नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? मैंने पूछा कि जब तुम इस सेवा व्रत के लिए आगे बढ़ रही थी, यहाँ के लिए प्रस्थान कर रही थी, क्या तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संकोच था? क्या भावनाओं का ज्वार, आंसुओं का सैलाब क्या उमड़ रहा था? क्या वे भावनाएं आंसुओं का रूप लेकर के उमड़ रही थी? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी, अपनों में वो भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। फटी आंखों कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। अलग अलग भाषाओं के शब्दों में उसका आभार लेखक का उसके द्वारा दिए हुए बिस्किट के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए उसने धन्यवाद दिया, थैंक यू, तांगसू, जर्मन भाषा और अलग अलग भाषाओं में। वह हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। यानी वहां का वातावरण धीरे धीरे अब हल्का होने लगा था। चिंता तुरता की भावना धीरे धीरे कम होने लगी थी। मदर टेरेजा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका।
मदर टेरेसा आज पूरी तरह से बातों के बात करने की पूरी तरह से बातचीत के का भाव बना करके आई थी। मैंने उनके हृदय रूपी मन में हृदय मानस हृदय रूपी मन में चोर दरवाजे से झांका, भावनाओं के माध्यम से झांकने का प्रयास किया, शब्दों के माध्यम से झांकने का प्रयास किया। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं, कभी मिलने जुलने भी नहीं गईं। मैंने उनसे कहा कि मदर आप घर से आने के बाद कभी दोबारा अपने घर वालों से फिर से मिलने गईं या नहीं, तभी उनकी याद आती है या नहीं, कभी मिलने के लिए भी नहीं गईं, कान अपना काम कर चुके, यानी शब्दों का काम हो चुका था, शब्द मैंने उनके कानों में पिरो दिए थे, अब वाणी के द्वारा जिह्वा के द्वारा उन्हें अपना उत्तर देना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी ये कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। मैंने उनके द्वारा कही गई उस कहानी को इस प्रकार से सुना कि कई वर्ष हुए उस फिर से विश्व भर का एक सम्मेलन, उनके जो पूजा ग्रह हैं उनका एक सम्मेलन फ्रांस में हुआ। भारत की भी दो मदर प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई थी। भारत की दो मदर भी उस सम्मेलन में गई हुई थीं। वे फ्रांस की ही थीं। दोनों यद्यपि रहने वाली फ्रांस की थीं, फिर भी उनके माता पिता फ्रांस में थे। उन्हें पता चला बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। उन्हें यद्यपि आभास तो था कि आने वाली हैं, फिर भी वे पहचान नहीं पा रही थीं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं। लेखक कहता है कि दोनों माताएं अपनी पुत्रियों से एक लंबे अंतराल के पश्चात मिल रही थीं। उनके मन में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। उनसे मिलने का अपनों का जो संबल है वो उन्हें दिखाई दे रहा था, पर भी विचित्र बात ये हुई कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाईं। इतने समय अंतराल पश्चात जब वे दोनों गई थीं फ्रांस, तो भी वे दोनों जो माताएं उनकी आई थीं, वे माताएं अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पा रही थीं। आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, अंत में उनका नाम पूछा तब गले मिली, क्योंकि उनका रूप स्वरूप, उनकी वाणी भाषा, उनके कार्यशैली, उनके जीवन का उद्देश्य, उनका लक्ष्य सब कुछ बदल चुका था। जीवन का निमित्त बदल चुका था। जीवन का सारे सुख दुख सारे रोगियों की सेवा और समर्पण में ही पूरी तरह से शामिल थे। इसलिए सब कुछ बदल जाने के कारण वे माताएं यद्यपि आई थी तो ही मिलने के लिए, फिर भी वे पहचान नहीं पाई। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनसानी अनजान पहचानी पुत्रियों में स्वयं एक वे भी थीं। यद्यपि ये कहानी पूरी हुई, उन्होंने अपने बारे में बताया, मदर टेरेसा उस कहानी के पूरा होते होते जा चुकी थीं। निश्चय ही उनका कहने का तात्पर्य था कि उन अनपहचानी पुत्रियों में से वे एक स्वयं थीं। इसके आगे का जो भाग है हम सब अगले लेसन में देखेंगे, अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।